देर आर मेनी कॉजेज ऑफ नेक पेन. इट कैन बी एज अ रिजल्ट ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस इन द स्पाइन, मतलब उम्र के साथ स्पाइन में होने वाले चेंजेस जो होते हैं उनकी वजह से, और ट्रॉमा जैसे चोट लगने की वजह से, और इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस जैसे टीबी और ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक, ये भी नेक में देखी जाती है. और तरीके के एक्यूट इन्फेक्शंस भी नेक में हो सकते हैं, उनकी वजह से भी नेक पेन हो सकता है. ट्यूमर्स नेक में या गर्दन में, ट्यूमर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से नेक में दर्द हो सकता है. आमतौर पर ये मुख्य कारण है नेक पेन होने के. बाकी इसके अलावा भी बहुत कारण है बट वो इतने कॉमन नहीं है. बट आम तौर पे जो हम नेक पेन देखते हैं वो जैसे नेक में नस दब गई या नेक में कोई चोट लगी या इन्फेक्शन है या ट्यूमर है या एबनॉर्मल पॉस्चर, जो कि मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ. एबनॉर्मल पॉस्चर कोई व्यक्ति अगर मेंटेन करता है काफी टाइम तक तो भी ये नेक पेन होता है. तो ये मुख्य कारण है नेक पेन होने के.